क्या मस्त इन्होंने पेंट किया, कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे कर रखे हैं। मतलब ये ट्रैक है जिसके ऊपर ये सत श्रीकाल नमस्कार, नई और लंबी वीडियो के साथ आज विकासपुरी एफ ब्लॉक दशहरा ग्राउंड रामलीला मैदान में आ रखा हूँ। देखते हैं अंदर क्या क्या तैयारी हो रही है और क्या क्या अरेंजमेंट कर रखते हैं। तो चलते हैं मैदान की तरफ और देखते हैं नज़ारे। तो भाइयों चलते हैं अंदर मेले की तरफ और देखते हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए क्या क्या इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, कहाँ पर खाने का सेटअप लगाया, कहाँ बच्चों के लिए राइड्स है और कहाँ पर रामलीला जी का प्रोग्राम होगा। जैसे मैंने अंदर एंट्रेंस की है और लेफ्ट साइड पर देख पा रहा हूँ कि खाने पीने का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। सामने बच्चों की राइड्स हैं और राइट साइड पर रामलीला जी का जो प्रोग्राम होगा उसका सेटअप रहा। आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट हो रहे हैं। ये छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं, दिल्ली सिक्स, रोलर कुल्फ़ी, स्टिक कुल्फ़ी, वैरायटी ऑफ कुल्फ़ी दिल्ली 6, मतलब ये कुल्फ़ी का काउंटर है। और सामने है नानसेंच, सही सेक्शन बना रखे हैं इन्होंने। ये हमारे भाई लोग खाने पीने में बिज़ी हो रखे हैं। ये मेरे ख्याल से टिक्की का सेटअप होगा। आज से मेले की तैयारी है और पूरी जोरों दोर से तैयारी कर रहे हैं और खाने पीने का पूरा सेटअप लगा रखा, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले आपस में लगे हुए थे, भैया कौन सा टेबल मेरा है, नहीं होगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्वालिटी वालों का सेटअप लगा हुआ है। पाजी ये कितने टाइम से लगा हुआ है, ये तैयारी कितने टाइम से चल रही है? 6 से लेके 12 तक। अरे कितने दिन से ये लगा हुआ था मेला तैयारी करने में? 9 दिन तक। 9 दिन लग गया। और सारे कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर हैं जितने भी कारीगर हैं? दिल्ली से बाहर। दिल्ली के बाहर के हैं। और आप? बिहार। आप बिहार से हो? क्या सेटअप बना रखा है इन्होंने, ये बड़े बड़े फ्रिज, ये बेचारी छोटी सी रेडी भी लगा रखी है। अब दिखाता हूँ आपको राइट्स। बड़ा जबरदस्त झूला लगा रखा है इन्होंने। गजब अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। ये मेरे हिसाब से टिकट काउंटर होगा और यहाँ से बच्चे एंटर करेंगे, चाहे बड़े या छोटे, यहाँ पर बिठाएंगे और पूरा ऊपर तक लेकर जाएगी ये। ऊपर झंडा भी लगा रखा है इन्होंने। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और यहीं से बाहर जाने का इन्होंने सिस्टम बना रखा है। अब चलते हैं अगली राइड को। तो भाइयों काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, जो चीज़ें हम खो चुके थे वो आज गवर्नमेंट ने वापस दिला दी। दिल्ली में कई जगह पर ऐसा सेम सिस्टम लगा हुआ है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ थोड़ा पास ले जाकर। झूले का नाम है ब्रेक डांस, रात को सही चमकेगा ये। अभी हंटेड हाउस बना हुआ है,
एक बार बात करके देखता हूँ क्या इसमें देख सकते हैं। 100 आउस। पाजी बाहर की बना रहा हूँ, आप सबकी बना। आप कहाँ से हो सारे? बिहार? ग्वालियर। ग्वालियर से? एमपी। तो हर साल आते हो, आप ही लगाते हो कि? नहीं, हर एक जगह चेक करते हैं। नोएडा, किला, लाल। लास्ट टाइम कहाँ लगा था आपका सेटअप? मतलब पिछले साल कहाँ लगा था? नोएडा, बाराबंकी। समझ। ओ भाई साहब गजब। मैं तो कभी सोचता हूँ भैया इतना बड़ा सेटअप बंदे ने कैसे बनाया होगा, क्या टेक्नोलॉजी लगा रखी है। भाई साहब ये मशीनरी है जिस पर ये चलेगा। ये टिकट काउंटर है, इसका भी देख ही लेते हैं। मतलब एक गजब चीज लगा रहे हैं, कितने सारे व्हील्स लगे हुए हैं। ओ भाई साहब गजब। इंसान ने भी क्या चीज़ बनाई है, ये देखो बेस फिर भी लकड़ का दे रखा है इन्होंने। रात को सही लाइटों में चमकेगा ये। पाजी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? स्मोक है? स्मोक बिस्कुट। ये पान की दुकान है और अपने स्मोक बिस्कुट। पाजी कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर। ग्वालियर। आपका नाम क्या है? समीर। समीर, तो इसके क्या रेट देंगे? अभी कुछ डिसाइड हुआ है स्मोक बिस्कुट का? उनको मालूम है, वो भाई साहब बैठेंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू पाजी। इस राइड्स पर लिखा हुआ है सूचना, गर्भवती महिला झूला ना झूले, कमजोर दिल के भी व्यक्ति झूला ना झूले, नशे की हालत में झूला ना झूले, अपने सामान का खुद ध्यान रखें। और यहीं पीछे इन्होंने रहने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। हम इन सब की बातें भी सुन लेते हैं। बनारसी पान शॉप। अच्छा जी, चॉकलेट पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान और पाइनएप्पल पान। बनारसी पान शॉप। पाजी नमस्ते। पाजी ये सेटअप आप लगा रहे हो जी? तो इस बार कुछ नया ला रहे हो कि? सर भारत वैरायटी जो माने भोपाल से। हम भोपाल से। आप जी, आपका शुभ नाम? सैयद हाजिम अली। अच्छा, तो इस बार कुछ नया वैरायटी आएगा कि जो चल रहा है वही चलेगा? नहीं नहीं सर, इसमें वैरायटी ऐसी है कि इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको दिल्ली में ऐसी वैरायटी ना हो। अच्छा, भारत वैरायटी के माने आकर भोपाल के माने पूरे टोटल टाटा। अच्छा। मसाला वगैरह जो है भोपाल का फेमस पान, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी और पहली मतलब आए हम यहाँ पे। और स्टार्टिंग क्या रहेगी इसकी? स्टार्टिंग सर 20 रुपये से शुरू है हमारे पान, तो 5,000 रुपये रखते हैं। 5,000 रुपये जी।
पाँच हजार में क्या स्पेशल होगा सर? उसमें गोल्डन पान है जिसमें सोने का वर्क होता है, सोने का वर्क चढ़ेगा। उसके बाद मकई पत्ता होता है, मकई पान होता है, मटेरियल बहुत अलग होता है, चटनी होती है, 500-700 रुपए की एक छोटी सी, 50 ग्राम की एक छोटी सी डब्बी होती है। अच्छा, महंगी महंगे ऐसे आइटम होते हैं जिसके कारण पान महंगा होता है। समझ गया। आपका पूरा टोटल 72 वैरायटी का पान मिलेगा आपको, जो वैरायटी बोलेंगे वो आपको मिलेगी। मतलब 72 वैरायटी का पान मिलेगा ही मिलेगा। पाजी आपका शुभ नाम? शाकिब खान। शाकिब खान, ठीक है। वो सामने स्मोक की है। अच्छा, वहाँ भी कुछ नया लाया कि उस पर कुछ डिफरेंट होगा? सर इस बार तो अपने स्मोक बिस्किट है। स्मोक बिस्किट है। और हमारे पान के अंदर आपको स्मोक पान भी मिलेगा, फायर पान भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, आग वाला पान भी, स्मोक पान भी। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, सत श्री अकाल। क्या बात है, पाजी ने अपना नंबर भी दे रखा है। पाजी ये अपने भाई का, छोटे वाले बड़े वाले, और ये अपने बड़े वाले का नंबर, जो ऊपर वाला नंबर मेरा। अपने यूट्यूब चैनल लेके जी पाजी, भाई नाम बता दो। अच्छी तरह ये दबाइए एक बार। ये बच्चों के लिए इन्होंने मतलब कि झूले लगा रखे हैं। ये खरगोश भैया, बैटमैन भैया, सारे भैया लगा रखे हैं इन्होंने। अब चलते हैं अगले राइड पर। ये है हमारा ड्रैगन ट्रेन, देखते हैं अगर इस पर चढ़ना हुआ तो चढ़कर भी दिखाएंगे आपको। ये स्मोक पैन, N2 स्मोक पान। स्मोक पैन वालों का ही है ये। ये आ गया N2 स्मोक जोन, मतलब स्मोक के बिस्कुट। रास्ता मिल ही गया। सारा पेंट किया है इन्होंने। वो भाई साहब सो रहे हैं वहां पर। ये है साइकिल जिस पर ऑपरेट होगा, ये इनकी पटरी बनी हुई है। क्या मस्त इन्होंने पेंट किया, कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे कर रखे हैं। मतलब ये ट्रैक है जिसके ऊपर ये रैंप पर ये ड्रैगन ट्रेन चलेगी। अब थोड़ा सा जुकाम भी लगा हुआ, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। सामने इन्होंने बनारसी पान शॉप और दूसरा सेटअप लगा रखा है स्मोक बिस्कुट। चलो अच्छा है, बच्चों के लिए डिफरेंट वैरायटी है। और सामने टम्बोला गेम्स, छोटी मोटी गेम्स, उसका सेटअप लग रहा है। स्ट्राइकिंग कार, कारों को ढका हुआ है इन्होंने पूरा। अप्पू घर में ये छोटी छोटी चीज़ें देखते थे हम लोग, हेलीकॉप्टर्स। ये छोटी सी मिनी ट्रेन, ये जंपिंग काउंटर, ये छोटा सा ड्रैगन बना दिया, उसी की कॉपी कैट कर रखी। बेचारे को पेंट नहीं किया इन्होंने, पर लाइटिंग खूब लगा दी है। रात को तो खूब अट्रैक्टिव होगा, ये देखने लायक होगा। ये देखो छोटी छोटी कार्स, सुजुकी की वैगनार।
लाइटे लगा रखी है, देखो ये देखो घोड़ा लाइट। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो कार ढकी हुई थी ना, यहाँ से रास्ता तो मिल गया मुझे। ये देखो कार तारों का कितना भारी जंजाल लगा रखा है, गलती से किसी ने हाथ लगा दिया बंदा क्या। सारा सेटअप इन्होंने रेडी कर रखा है और ये रात को ओपन करेंगे। ओ भाई साहब, आप पहले बता दो ना, फोटो ले रहा हूँ मेरा। अभी यहाँ पर एक होस्ट सेटअप लग रहा है बच्चों के लिए, बॉम्बे आधा चाउमीन बड़ा वड़ा पाओ, साथ में ही के पिज्जा हट। अच्छा जी, आइसक्रीम रोलर भी लग गया है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं रामलीला का ग्राउंड। और यहीं से रास्ता जाएगा जहाँ पर रामलीला जी की पूरा प्रदर्शन दिखाया जाएगा हर दिन। काफ़ी लेवल पर इन्होंने चेयर लगा रखी हैं, वो सामने स्टेज शो बना हुआ है और ये है पंडाल। देखते हैं अगर वहाँ से रास्ता मिलता होगा तो दिखाएंगे नज़दीक से। पाजी की परमिशन लेकर पहुँच तो गया हूँ। तो भाइयों यहाँ का एड्रेस है विकासपुरी दिशहरा ग्राउंड एफ ब्लॉक। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, खूब सारा आशीर्वाद देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।